फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन किए। जो बच्चे ये कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे, उनके लिए है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए, एक बार क्लियर हुई। दूसरी बात ये हो गई कि तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कि मिड सेशन में जब पिछले साल का जो टेस्ट होते थे तो कॉन्टिन्यूसली केमिस्ट्री में 150 प्लस 105 पर 160 140 145 नंबर आते थे, फिजिक्स में 60 65 80 इस तरीके के नंबर आते थे, और उस बीच बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। तब हमने इससे ये कहा था कि बेटा लास्ट तक पढ़ो, और फिजिक्स के लिए फिर हमने भी कुछ इसको टिप्स दी जिससे इसने किया, और उस चीज़ को लॉकडाउन में इसने इम्प्लीमेंट किया। लॉकडाउन में बैठ के इसने इतनी फिजिक्स करी कि इसके सिलेक्शन जब हुआ तो हमको सरप्राइज हुआ कि मतलब हम दो सिलेक्शन दिलाते थे शायद, अगर तुम्हें याद रहा हो क्लास में सब कहते थे इतने हमें अपने गिनते थे, हमको सिलेक्शन दिख जाते हैं कि भाई इतने सिलेक्शन हमको दिखते हैं, हमने कहा दो सिलेक्शन होंगे, नाम नहीं बताते थे वो अलग बात है, अगर दो ही सिलेक्शन होंगे ज़्यादा नहीं होंगे। और जो तीसरा सिलेक्शन हुआ है इसका, उनका दो का तो मालूम था क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रांग थे, ठीक है। जो जैसे हम लोग एथलीट वगैरह हैं जो पहले दौड़ते उड़ते थे, तो हम लोगों में ये होता था कि जो 100 मीटर 200 मीटर की रेस में जो बंदा थर्ड से फर्स्ट आता था उसकी बड़ी तारीफ होती थी, जो आखिर में उसने खींचा है, और जो पहले से आगे होता था उसकी तारीफ नहीं होती थी। इसका ये था कि ये बच्ची समझ लो कि मार्च तक हम लोगों को ये नहीं लग रहा था कि ये सेलेक्ट होगी, मतलब हमें लग रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें लग रहा था कि फिजिक्स गड़बड़ करेगी। लेकिन उसके बाद जो लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में इसने इतनी मेहनत की कि इसने जो है सिलेक्शन भी लिया, और एक बच्ची जो जिसके साथ ही रहती थी उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए, और जो इससे और अच्छी बच्ची जिसको सब लोग कह रहे थे बहुत टॉप करेगी उससे सिर्फ 5 नंबर कमाए ना, इसके 5 633 है 32 है उसके 637 इतने में। तो ये आप लोगों की इंस्पिरेशन है इसलिए कि जो ये कहते हैं कि वहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया जा सकता है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास जो चली गई तस्नीम सुनना चाह रहे थे, एक लड़का देखो ये हमारे पास जो मोहसिन ये 573 है और उसके 560 के आसपास है, तो इससे इसको ये बताओ कि लास्ट में तुमने इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पाया, तुमने लॉकडाउन में कैसे मैनेज किया और आगे चल के कैसे मैनेज करेंगे बताओ। यही है कि लॉकडाउन में बस मेहनत करनी थी, हम लोगों ने मतलब कहीं देखा नहीं, सिर्फ एक रूम था और हमारे बुक्स थे, यहाँ तक कि हम लोग दिन भर मम्मी पापा से भी नहीं बात करते थे सिवाय टीचर्स के, मेरे सारे टीचर्स से मेरी बात होती थी, शाकिब सर से और जितने भी टीचर्स हैं मेरी सबसे बात होती थी, और बाकी दिन भर हम अपनी मम्मी से भी बात नहीं करते थे, सिर्फ हम खाना खाने निकलते थे और फिर जो फ्रेश होना था, बाकी लॉकडाउन में हमने सिर्फ पढ़ाया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, जब मैंने सुना कि मेरे 632 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर मैंने कहा कि एक बार और चेक करो मेरे ही है आप किसी और के हैं, मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, हम बहुत डिप्रेस हो गए थे। हर कदम पे शाकिब सर ने मेरी हेल्प करी, फाइनेंशियल हो और किसी भी तरीके से, हम जब डिप्रेस थे हम रोते थे शाकिब सर समझाते थे, और केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल गॉड है हम तो यही कहते, क्योंकि हम केमिस्ट्री में भी इतने अच्छे नहीं थे, इनकी वजह से मेरे 170 मार्क्स आए केमिस्ट्री में। जो भी पढ़ा रहे हैं इनके नोट्स हैं, ये कह रहे हैं अगर कि नोट्स में एनसीईआरटी का पूरा है तो वो बात सही है बिल्कुल, अगर हम एनसीईआरटी भी ना पढ़ें सिर्फ शाकिब सर के नोट्स पढ़ें तो वो भी सफिशियंट है बिल्कुल। और तुम्हें मतलब शायद ही मैंने ऐसी केमिस्ट्री कभी पढ़ी थी, हम अपनी क्लास में भी डिस्कस करते थे, हम सफीना थे हम लोग इससे डिस्कस करते थे, हमने ऐसी केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी सर, हम सर बहुत अमेज़ हैं क्योंकि हम ये बात हमेशा बोलते हैं अपने घर पे भी बोलते हैं कि हमने ऐसी केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी जैसे हमें शाकिब सर ने पढ़ाई, तो फिर इनकी वजह से भी सिलेक्शन में बहुत बड़ा हाथ है सर का, और जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं। यस सर, और टूर का चैप्टर तो पूछ रहे हैं कैसे प्लानिंग किया, फिजिक्स कैसे पढ़ती थी, केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़ती थी, क्या करना है। फिजिक्स का टाइम टेबल समझ नहीं आता, फिजिक्स का तो ज्यादा मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन सर ने जैसे बताया वैसे ही मैंने किया। क्या बताया सर ने, और बताएंगे तुम्हें फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूले तो याद ही होने चाहिए, बाकी कांसेप्ट
एक क्वेश्चन देखो उसका तरीका कैसे है, ये नहीं कि क्वेश्चन को रट लो। मेरी आदत थी कि हम क्वेश्चंस को रट लेते थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो क्वेश्चंस रटने से नहीं आते थे। जिसके सर ने बताया कि मतलब जो है वो कंसेप्ट समझो, जब कंसेप्ट समझोगे ना तुम तो उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो, तो वो खुद ब खुद हो जाएंगे तुमसे। और बाकी फिजिक्स में फॉर्मूले तो टिप्पे होने चाहिए, फॉर्मूले तो सबको याद ही करने होते हैं। बायोलॉजी में कैसे एग्जाम किया? बायोलॉजी से हमने एनसीईआरटी से किया। और एनसीईआरटी के सारे सवाल थे कि कुछ हट के? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के थे। उसमें 85 सही हुए थे बारह? मेरे 330 मार्क्स आए, 6 क्वेश्चन बने थे। हां, आई थिंक 85 सही थे। 84। अच्छा, जो अटेम्प्ट 90 सब की? सर मैंने उसमें कोई मार्क नहीं लगे थे और बाकी 5 क्वेश्चन मेरे गलती से। एक कोई मार्क से गलती? एक कोई मार्क से गलती से कोई मार्क नहीं। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में आपने कैसे किया? मेरा 30 मिनट्स में बायोलॉजी हो गया था। गुड, काम। क्योंकि पहला सीक्रेट बच्चे की सक्सेस का है कि 30 मिनट में बायोलॉजी। ऐसे हाउ यू एक्सपेक्ट कि 30 मिनट ही लगे? सर 30 मिनट ही लगे। हमें आप एक मोटर समझ, 30 मिनट कैसे लगे आपने टाइम? 30 मिनट तो पहले भी लगता है सर। नहीं, जब बायोलॉजी के सामने वॉच लगी थी तो हम देख लिया। Okay. हमने 2 बजे पेपर स्टार्ट करा है, तो सिर्फ हम करते गए और हम साथ में 5 क्वेश्चन करते थे, तो हम ओएमआर में फेल करते थे। पहले 5 करने के बाद ओएमआर में फेल करते थे। उन पांचों को क्वेश्चन पेपर में टिक करते थे? उनको हम डॉट देते थे, हम टिक नहीं करते थे पेपर में। हमारे टिक करने क्या, हम तो डायरेक्ट ओएमआर ही करते थे कोचिंग में भी, लेकिन वहाँ पे हमने डॉट लगा दिया था, तो डॉट देख देख करके ओएमआर होते जाते थे। उन बायो में चारों ऑप्शन पढ़ते थे आप? उसने 100 घंटे बायोलॉजी में लगा दिया। मैक्सिमम बेटा जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, बायोलॉजी में कितना टाइम दे रहे हैं? फिर भी 40-45 मिनट्स। बस, नॉट मोर देन 45 मिनट्स मैक्सिमम होते हैं। रिमेनिंग बीच में फिर केमिस्ट्री का है? बीच में केमिस्ट्री का है, वो 40-45 मिनट्स हो गए। जब मेरी केमिस्ट्री का पेपर भी अच्छा था और हमें सब पढ़ा हुआ ही लग रहा था, कोई कुछ बाहर से था ही नहीं केमिस्ट्री में। जो क्वेश्चंस नहीं आते थे केमिस्ट्री के बीच में, उनको क्या करते थे? राउंड करते थे। केमिस्ट्री में सब मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट था, तो हम उससे बात कर लिए थे और वो 2 गलत हो गए मेरे। तो सही हो गए थे, तो बात आ जाती है। तो एक लिगैंड वाला था, लिगैंड की स्ट्रेंथ वाला, वो भी अपने जो है गलत हो गया। तो वो आपने बताया ट्रिक भी लिखाई थी उसकी, सीनॉक्स कर रहे थे लेकिन भूल गए थे वो सीनॉक्स। इतना ही अगर याद होता तो मजा कर। देखो बेटा, पेपर का मतलब ये रुझान है कि दीवार में कील ठोकते हो, कील ठोक जाएगी। अगर ऐसा कील दीवार समेत घुस जाएगी, प्लास्टर उखड़ जाएगा, कील नहीं। ये भी ठीक है, मालूम है इनके अच्छे होते हैं, नया एग्जांपल लेकर आए। समझ में आई बात? अब जो पेपर आ रहा है मॉडरेट से भी इजी कह सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। बच्चे का साथ ये हुआ, इंटर का पढ़ के गया, इंटरमीडिएट की सोच लेके गया, इंटर का बच्चा था, इंटर कर गया मेडिकल कॉलेज में। क्यों? हमें एम डब्ल्यू कहते हैं, इसकी मेहनत की तो गवाही हम हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक है, मतलब ये हो गया कि एक साल में पढ़ा और हो गया, कोई आसान चीज़ थी ऐसा नहीं। 9 बजे ये आ जाती थी कोचिंग में, ठीक है, क्योंकि इसकी मतलब जो और उनके जो साथ में बच्चियाँ थी उसकी फिजिक्स अच्छी थी, उसकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी, अलीजा की, सफीना की, उसकी फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग थी। मतलब स्ट्रांग बहुत ही स्ट्रांग, उससे कहीं से भी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछो उसको आते होते थे। तो उसके साथ रह रहे के ये अपनी फिजिक्स करती थी, उसके बाद फिर वहीं पर कोचिंग में ही रह के फिर कोचिंग करती थी, और फिर शाम को जब घर पहुंचती थी तो घर भी मेहनत करती थी। और जितना डेडिकेशन इसने दिखाया है, अगर उतना डेडिकेशन बच्चों में दिख जाता है, हम लोग कोई हम लोगों के पास कोई पैमाना नहीं है, पैरामीटर नहीं है। बायोलॉजी का क्लास तुम्हारा
करने का, बैठने का, सोने का, बारह चौदह का सब साल अपना अपना होता है, वो किसी बच्चे पर डिपेंड नहीं करता। सर हम कोचिंग से जाते थे 7:30 बजे तो हम पहुंच जाते थे, हमें टैक्सी से जाना होता था, आधे घंटे लगते थे, हम टैक्सी में भी कुछ ना कुछ देखते हुए जाते थे। घर में प्रैक्टिस कैसे करती थी? घर में हम लोग पहुंचे तो फिर फ्रेश हुआ, डायरेक्ट नमाज पढ़ते थे, उसके बाद फिर हम पढ़ने बैठ जाते थे, पढ़ते थे फिर रात में 10 बजे तक, अगर हमें नींद आ जाती थी, बीच में कुछ खा लेते थे स्नैक्स वगैरह, तो रात में नींद जब आती थी तब हम अपने पेरेंट्स से बात करते थे ताकि हमारी नींद टूट जाए। तो 2-3 बजे रात तक कर लेते? नहीं नहीं, हम 2-3 बजे तक नहीं पढ़ते, 1-2 बजे हम 12 बजे तक सिर्फ पढ़ते थे, सुबह जल्दी उठना होता था। सुबह उठती थी जब भी, अभी रमजान में भी जब हम 4 बजे उठते थे तभी ऐसे बहुत सारे सवाल जो है सुबह ही निकल तो फिर हम सोते रहते। और उस दिन मैंने आपसे बोला था कि सिलेक्शन में 5 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर तो क्लास में बता दिया, दूसरा फैक्टर आपके सामने खड़ी है बच्ची, टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम हॉल, बच्ची का 30 मिनट ये कह रही है, मान लो घड़ी घड़ी देखने में गलती हो गई 15 मिनट प्लस माइनस, मान लो 45 मिनट में भी बच्चे ने अगर बाबू जी के 90 क्वेश्चन किया, यानी कि एक क्वेश्चन आधे में उसी में OMR भरा, यानी आधा स्कोर आधा न्यू इमारत की पहले 45 मिनट ही डिसाइड करते हैं कि आप कॉलेज में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आइदर यू आर रिजेक्टेड आर यू आर सिलेक्टेड, इट डिसाइडेड द फर्स्ट 45 मिनट। इसने अच्छा रन रेट खड़ा कर लिया पहले 45 मिनट। हमारे अंदर कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी होती है, मेन चीज है। मैं सही साइड पर हूं, हमें एक दिन पढ़ के एक दिन छोड़ना नहीं चाहिए, हमें रोज पढ़ना है। हमारी लाइफ में जब हम घर गए तो बहुत से फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे, सर रमजान था, मुहर्रम था, बहुत अफेक्ट किया, लेकिन हमने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ी नहीं। और डोंट माइंड बेटा, एक सच बोला है इन लोगों से, बच्चे भी हमारे ही हैं, आपके भी भाई बहन हैं, इनसे मैंने बोला है कि लास्ट ईयर 12th अपीयरिंग वाले 50% के अराउंड सेलेक्ट हुए बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन इन द कोरोना पीरियड एंड दे आर मोर एनर्जेटिक, उनको सब कुछ पाने का था, लाइफ में कुछ खोने का, जैसे तुम पाई, कांग्रेट फॉर इट कि तुम्हें मिला, ऐसे तमाम बच्चों को जो अपीयरिंग वालों को मिला। इस साल इसका रिवर्स होने वाला है, लहमा पर कोई मैं फिर फकीर नहीं हूँ जो मुझे दिख रहा है, इस साल आप लोगों का होगा जो ड्रॉपर है, और इस साल अपीयरिंग वालों का कंपेरेटिवली कम होगा, माफ कीजिएगा इसमें कोई अपीयरिंग का और काज सब अपीयरिंग नहीं है, काज होंगे सब नहीं, मेजोरिटी अपीयरिंग का मुराद हमारा 12th जस्ट पास, 12th अपीयर में थी नहीं ड्रॉपर थी। हाँ तब तो आप तो ड्रॉपर पढ़ना है, तो उस लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, लास्ट ईयर अपीयरिंग वाले बहुत थे, क्यों? उनको सिंपल बार मिली, बैटिंग कर गए, वहाँ खुश थे। एग्जाम हॉल में आप कैसे इंजेक्ट करते हो, कैसे अपने को, कभी कभी ये होता है ना कि 2 कदम पीछे हट करके लोग लड़ाइयाँ जीतते हैं, हुआ क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी गजब के पेपर बना था कि केमिस्ट्री में सबके जो 40 के नीचे गया वो फाइट से बाहर हो, बायो में 85 से नीचे गया वो फाइट से बाहर हो, इस बच्ची ने तीनों बैलेंस कर दिया, है कि नहीं? यस सर। तो आप इसको एज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन मानो, और एग्जाम हॉल में आप वैसे ही रहोगे। मैं देखता हूँ तुम लोगों में एक आदत बुरी आ गई है, फोटो खींचते, फोटो खींचोगे तो फोटो खींचेगी नहीं। यहाँ हाल में देखता हूँ मैं, लेक्चर होता है हमारी सबकी सबकी क्लास के, फोटो खींचते, क्या ऐसा आप करते थे क्लास में? सबके फोन रखवाइए सर, और कीपैड वाला फोन दीजिए, ये फोन उदिन वापस होंगे 3 मई को। जब हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तब मेरे पास फोन आया, समझ रहे हैं? जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो उसके पास फोन आया, फोन के अच्छे इस्तेमाल काम पर लिए, काम पर सिलेक्शन के पीछे भाग रही हो, सिलेक्शन किन वजहों से हो रहा, उन वजहों के पीछे नहीं भाग रही। बच्चे ने कहा कि मैं माँ बाप से तब बात करती थी जब मैं चाहती थी, माँ रहती थी साथ, तो कभी तो कहा आपने कि फोन पे भी नहीं बात, फोन पे रात में जब नींद आने लगी थी तो फोन पे बात करते थे, मिस कॉल करते थे फिर घर से कॉल आता था। लेकिन किसी को और कुछ पूछना होता पूछते फटाफट। हां फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या मतलब रेशियो था, कितनों कितनी ज्यादा प्रायोरिटी थी? हमने तो फिजिक्स को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी, हम हैं देखो तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना होता है, अगर एक ही
सब्जेक्ट के पीछे भागोगे तब नहीं सिलेक्टेड बच्ची आई है वही पास एक सब्जेक्ट वीक है तब भी नहीं होगा तीनों को बैलेंस करना है मेरा फिजिक्स वीक था हम फिजिक्स ज्यादा करते थे पढ़ना था वो तीनों है जो ज्यादा वीक है ज्यादा टाइम लीजिए आप बस ये अच्छा बायोलॉजी में बेटा कैसे करती थी साफ साफ बायोलॉजी बता हम कल भी पढ़ा देंगे नहीं आप टेंशन ना लीजिए बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ के सब समझ में आ जाता था कैसे नहीं आएगा तो वहाँ पे एग्जाम में फिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं जैसे चार पांच क्वेश्चन में जैसे पूछा हम एक चैप्टर लगाते तो फिर मास्टर एनसीईआरटी थी उससे क्वेश्चन करते थे क्या कहते हैं हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए फौरन जाके उसके एमसीक्यू करिए हाँ और जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली प्रपोज क्वेश्चन और हमारे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे तो इधर उधर से क्वेश्चन लाते थे हम लोग डिस्कस करते थे तो इससे बहुत ज्यादा आइडिया मिलता है क्वेश्चन बायोलॉजी में अगर इधर उधर से क्वेश्चन कहीं आ रहे हैं रिग्रेस प्रैक्टिस करिएगा ऑब्जेक्टिव उतने ज्यादा समझ में आएंगे जो क्वेश्चंस थे उसकी कॉपी बना ली थी आपने कहा था तो उसकी हमने कॉपी बना ली थी जो याद करने वाला था उसको और एक पॉजिटिव चीज सुना आपने कि बच्चे ये सर के अकॉर्डिंग कि सर बच्चे डिप्रेस हो गए आई थिंक डिप्रेशन इज द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ टू गेट द सक्सेस डिप्रेशन तब आएगा जब आपके टारगेट हाई होंगे आपका टारगेट बच्चे के टारगेट मौलाना आजाद रहा होगा एम्स दिल्ली रहा होगा सर वो डाउट ना डिप्रेशन थोड़ी सेल्फ डाउट ना बेटा कुछ लगता था भी तैयारी के दौरान कुछ ऐसा हम एक आध हफ्ते पढ़ने के आए थे नहीं देखो सुनो मैं परेशान हो गए परेशान ये बीच में काफी हो गई थी क्योंकि जब बच्चा अच्छा होता है एफर्ट करता है और उसको सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं जो है परेशान होना लाजमी होता है ठीक है इवन एक एक टेस्ट में हमको याद है कि इसके केमिस्ट्री बहुत अच्छे आते थे नंबर तो हमने इससे कहा था कि ऐसा करो कि तुम जो हो फिजिक्स में पूरा टाइम दो जैसे मान लिया दो घंटे तुम फिजिक्स में दो एक घंटा बायो को दे दो तीन घंटे का पेपर होता था तो हमने कहा था दो घंटे तुम पूरी फिजिक्स कर लो केमिस्ट्री तुम छुओ ना केमिस्ट्री बाद में हम कह सर नंबर नहीं आएंगे जीरो आ जाएंगे ना कोई बात नहीं वो बाद में तुम कर देना इतना ठीक है वो हम अपने मान लेंगे तो उस उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके शायद उसी के बाद से मेरे 110 नंबर आए उस टाइम पे उस टाइम पे जब से हमने फिजिक्स करी हां उससे पहले इसके 100 से कम ही रहते थे मेरे 60 70 80 ऐसे इस बीच में बड़ी परेशान रहती थी जब इसको समझाया लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं हुआ आज भी हम कह रहे हैं हमारे करने से कुछ नहीं हुआ ये चाहती थी इसलिए इसने किया हम तो सबको समझा रहे थे हम पूरे क्लास को समझा देते हैं कोई ऐसा बच्चा था नहीं जिसको हम समझाते तो हर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती थी मैं फ़ोन करता था उसे हम बात करते थे कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और सब बच्चे बहुत मानते थे अल्लाह का शुक्र है और सब बच्चों बहुत हमको चाहते भी थे सब बच्चे मानते थे हमसे बात भी करते रहते थे लेकिन सबको समझाने के बाद साइटोप्लाज्म की तरह चक्कर लगाओ क्या चीज टीचर न्यूक्लियस मान लो उसकी तरह जैसे साइटोप्लाज्म नहीं चक्कर लगाता बच्ची ने क्या कहा कि मैं टीचर से ज्यादा बात करती थी पेरेंट्स से नहीं बात करती इसका मतलब चार महीने के लिए टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ और क्वेश्चन जो भी नहीं आ पा रहे अगर टीचर ना बताए उसके आगे पीछे घूमो और टाइम किसी को वेस्ट नहीं कराना चाहिए किसी के बच्चे का केमिस्ट्री की वो बुक भी थी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हां टॉपिक वाइज बहुत फायदा मिला हम लोगों को हमने हमेशा ही हर बच्चों को ये प्रेफर किया और है और कहां गए वो चैप्टर वाइज और हां खड़े हो गए बेटा ये एससी वर्मा के खड़े हो गए एससी वर्मा के बड़े-बड़े प्रॉब्लम आते हैं फिजिक्स की बताते हैं हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे 32 इयर्स की बुक अभी सुनाई बड़ा हमने सिर्फ चलो अच्छा बेटा फिर और कुछ कुछ पूछना है तो बताए कांग्रेट्स कौन सा कॉलेज मिला हमने हमारे मित्र हैं डीडीटी जिसका जिक्र हम किया करते हैं दिवाकर दत्त त्रिपाठी उसका नाम था हम लोग उसको प्यार से डीडीटी डीडीटी करते थे तो वहां पर भाई तो अच्छा कॉलेज आपको नहीं गए छोटा सा गिफ्ट है बच्चे के लिए एक फोटो ले लो लैप तो करो बहुत बहुत तुम्हारे को जो है शुभकामनाएं तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए